तो देखिए, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ा है, लेकिन अब राहत भरी खबर यह है कि आंकड़ों में पिछले 45 दिनों के अगर हम नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में सबसे कम आंकड़े रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। और साथ ही एक ये भी राहत भरी खबर है कि अब लगातार रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है, 91% तक रिकवरी रेट अब पहुंच चुका है। और उसी का नतीजा है कि कल यानी कि 1 जून से कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिन जिलों में केसेस कम पाए गए हैं वहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन जो बड़े शहर हैं या फिर जहां पर केसेस का लगातार मिलना जारी है या फिर जो कंटेनमेंट जोन है वहां अभी भी सख्ती जारी रहेगी। इस बीच बड़ी खबर, 1 जून से कुछ शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश भी अनलॉक होने वाला है, लेकिन सूबे के 55 जिले अनलॉक होंगे, 20 जिलों में पाबंदी जारी रहेगी। वहीं यूपी में अब दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यानी 12 घंटे खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन रात का कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान जिन चीजों में रियायत दी गई है, अगर वहां पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो वहां सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सूबे में 55 जिले ऐसे हैं जो अनलॉक होने वाले हैं, लेकिन 20 जिले जहां पर केसेस अभी भी ज्यादा हैं वहां पर रियायत नहीं दी गई। सेकेंड वेव के पीक पर अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली थे जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब तेजी से आंकड़ा घटा भी, कम भी हुआ। उसी का नतीजा है अब रियायत दी जा रही है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोल पाएंगे। 1 जून के बाद हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहने की बात सामने आ रही है। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी, जिससे कि थोड़ी सख्ती हो सके या फिर कह सकते हैं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। साथ ही जहां पर 600 से अधिक एक्टिव मामले हैं उन तमाम 20 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन जहां पर केसेस कम है वहां पर छूट दी गई है। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, ये तमाम वो शहर है जहां पर केसेस 600 से ज्यादा हैं, तो फिलहाल यहां पर कोई छूट नहीं दी गई। और इन्हीं में है मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, जहां पर केसेस अभी भी मिल रहे हैं, छूट नहीं है। प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, झांसी, यहाँ अभी भी एहतियात बरतना होगा। बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, यहाँ भी अभी पाबंदियां जारी हैं। छूट वाले जिलों में 600 से ज्यादा केस होने पर रोक लग जाएगी, अगर इस दौरान अनलॉक की प्रक्रिया में केसेस बढ़ते हैं तो। साथ ही जो सरकारी कार्यालय हैं अधिकतम 50% क्षमता के साथ वो खुले रह सकेंगे। साथ ही निजी कंपनियां भी 50% क्षमता के साथ अपनी, आपको बता दें, कंपनियां खोल सकती हैं। सरकारी निजी कंपनियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी कर दिया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही होगा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन का ख्याल ये आपको रखना ही है। कंपनियों, रोडवेज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर कोरोना हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहाँ पर कोई भी अगर आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। अब कहाँ लॉकडाउन है, कहाँ राहत है, कौन कौन से वो तो प्रदेश हैं जहाँ पर रियायत की गई है, आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश 1 जून से अनलॉक हो रहा है, 55 जिलों में छूट, 20 जिलों में अभी भी कर्फ्यू, 600 से ज्यादा मामले अगर किसी भी जिले में है तो वहां पर पाबंदी अभी भी जारी रहेगी। हालांकि 5 दिन 12 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खोल पाएंगी। ये साफ कर दिया गया है कि शर्तों के साथ ही दफ्तर और धर्मस्थल भी खुल सकेंगे, लेकिन यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना जरूरी होगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। दिल्ली की बात करें तो फिलहाल कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही हरियाणा में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही राजस्थान, जहां पर बड़े शहरों में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी छूट कई जगह दी जा रही है जहां पर केसेस कम हैं। केरल में 9 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन दुकानें, बैंक ये सभी खुल पाएंगे, लेकिन कम मैन पावर के साथ। महाराष्ट्र 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है क्योंकि केसेस तेजी से बढ़े, अब छूट के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तेजी से केसेस बढ़े हैं। गोवा में भी 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जबकि ऐश्वर्य जैन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि दिल्ली में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन साथ ही 7 जून तक के लिए कुछ और भी सख्तियां बढ़ाई गई हैं, वो कौन कौन सी चीजें होंगी जहां पर 1 जून से हमें रियायत मिलने वाली है? जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस लगातार दिल्ली के अंदर कम होते हुए नजर आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 हफ्तों के बाद अनलॉक फेज 1 घोषित किया। अनलॉक फेज 1 में फैक्ट्रीज, रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन को इजाजत दी गई है। पलायन करने वाले जितने भी मजदूर थे उनके लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब वो वापस से इन फैक्ट्रीज के अंदर काम कर सकेंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक टीम भी गठित की है जो अलग अलग जगहों पर इन रियल एस्टेट फैक्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन की साइट पर जाकर चेक करेंगे कि क्या कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। मास्क लगाना बहुत अनिवार्य है और लेकिन हालांकि दिल्ली के अंदर अभी मेट्रो सेवाएं अभी भी बाधित रहेंगी। 7 जून के बाद इसका फैसला लिया जाएगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन का एरिया है उसको खोला जाए या नहीं। ऐश्वर्या, हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुना था। उन्होंने कहा दिहाड़ी मजदूरों की ज्यादा फिक्र है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियां खोले गए हैं ताकि दिहाड़ी मजदूर कम से कम काम कर सके, उनका घर चल सके। अभिषेक भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जब तमाम प्रदेशों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, धीरे धीरे ढील दी जा रही है, लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन महाराष्ट्र में सीधे 14 जून तक, हालांकि केसेस जिस तेजी से बढ़े थे, ये सख्ती और पाबंदियां जरूरी भी हैं, लेकिन छूट कहां कहां मिल सकती है या फिर बात जो चल रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए यह बात तो साफ है कि अगले 15 दिनों के लिए और लॉकडाउन महाराष्ट्र से बढ़ा दिया गया है और बढ़ाना जरूरी भी है। जैसा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद लोगों को आकर समझाया कि क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी भी केसेस जो पिछले साल के मुकाबले के बाद के 2020 सितंबर में जो केस मिल रहे थे उतने केस अभी भी महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई सारे महाराष्ट्र के ऐसे जिले हैं, 36 जिलों में से, जहाँ पे अभी भी केसेस गाँव में लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय, यही वजह है कि उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। लेकिन देखिए कुछ रियायतें देने का उन्होंने संकेत दे दिए हैं और जैसा कि आर्डर आ चुका है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ब्रेक द चेन वाला, उसमें जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए, यानी हम सब्जी की बात कर लें या दूध देने वाले की बात कर लें, जो इन लोगों के लिए सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन उसे बढ़ाकर अब 7 से 2 कर दिया गया है। यानी सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक ये अपनी दुकानें खोल पाएंगे, डिलीवरी कर पाएंगे और अपने धंधे पानी को जो कहते हैं वह आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन 3 बजे से लॉकडाउन फिर उन लोगों के लिए मौजूद रहेगा और लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जहां जहां जिस शहरों में, यानी सिटी वाइज इस बार निर्धारित किया गया, कैटेगराइज किया गया है कि जहां जहां भी केसेस कम है वहां पर लोकल अथॉरिटीज हैं, जो डीएम हैं या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं, वह फैसला ले सकते हैं कि क्या वो दुकानें खोलना चाहते हैं या बंद रखना चाहते हैं, क्योंकि वह उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई में जो केसेस काफी कम हुए हैं, अब 800-900 के आसपास केसेस मिले, 1000 के कम केसेस मिल रहे हैं, तो मुंबई के शॉपकीपरों का तमाम जो है उनको उम्मीद है कि मुंबई के कुछ दुकानें खोली जाएंगी, अल्टरनेट डे खोली जाएंगी। क्या होगा, हालांकि इसका फैसला आज बीएमसी की तरफ से लिया जाएगा। बीएमसी कमिश्नर इस पूरे मामले पर आज आर्डर दे सकते हैं। वहीं मुंबई के आसपास पालघर की बात करें, नवी मुंबई की बात कर लें, थाने की बात कर लें, यहां पर भी केसेस कम हुए हैं, तो यहां पर भी उम्मीद है कि कुछ दुकानों खोलने का आदेश जारी कर सकती है लोकल अथॉरिटीज या डीएम। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कल उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि बहुत लोग इस बात पर भी कह रहे हैं कि वह आंदोलन करेंगे दुकानों खोलने को लेकर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सरकारी या कोई यंत्रणा नहीं है, सरकारी कोई ऐसा हम मुहिम शुरू नहीं किया है कोरोना को लेकर। यह एक ऐसी आपदा है, सबको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। आप लोग इस तरीके से बाहर निकलकर कोरोना को बुलावा आमंत्रण ना दें, बल्कि घरों में रहकर सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। कोरोना का जो तीसरी लहर है वह अभी आने को बाकी है और उसको एक आगे नुकसान हो सकता है। तो तमाम ऐसी उपाय योजना, लेकिन यह साफ है कि अगले 15 दिनों तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन ऐसे ही रहेगा, साफ साफ मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन जहां जहां कोरोना के केसेस कम है, बहुत कम है, वहां पर कुछ ढील दी जा सकती है। अब वो ढील क्या होगी, आज वो लोकल अथॉरिटी डीएम हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर्स हो, वह इस पूरे मामले पर फैसला लेंगे। जी, मुंबई में चूंकि अभिषेक हजारों लोग नौकरी की तलाश में पहुंचते हैं और ऐसे में जब लॉकडाउन लगाया गया तो लोगों के सामने मुश्किलें भी खड़ी हुई। अब चूंकि जगह जगह अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो ऐसे में क्या दिहाड़ी मजदूरों को, क्या जो डेली बेसिस में काम करते हैं, उन्हें कोई रियायत मिलने वाली है? बिल्कुल, देखिए जो कंस्ट्रक्शन की जो, जैसा कि दिल्ली में खोला गया है, कंस्ट्रक्शन के साइट को यहाँ खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि देखिए कंस्ट्रक्शन के साइट अभी भी महाराष्ट्र में चल रही है और पहले ही इस पर मामले पर आदेश दिया गया था कि जहां पर रहने की व्यवस्था है, यानी वहां पर रह सकते हैं, वहां पर तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था ठीक है, तो वह लोग वहां रहकर काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी सुविधाएं चल भी रही है, यानी काम कर सकते हैं, महाराष्ट्र में बंद नहीं है तमाम जगहों पर हम बात करें। लेकिन चूंकि जो केसेस और डेली, अगर हम कोई डेली डेली वेजेस की बात करें, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सही में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए आज जहां जहां केसेस कम है उस बारे में आज एक फैसला लिया जाएगा और उस बारे में एक गाइडलाइन आएगी कि किस यहाँ पर और किस नियम के मुताबिक उस पूरे मामले पर काम किया जाएगा, कहाँ कहाँ छूट दी जाएगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई में खासतौर से, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और यहाँ पर अगर कुछ खुलता है तो कह सकते हैं देश के लिए एक बड़ी बात हो जाती है, महाराष्ट्र के लिए बड़ी बात हो जाती है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई में खासतौर से काफी सारी छूट दी जाएगी ताकि लोग जो अपनी दिन दिहाड़ी मजदूर करते हैं या फिर तमाम ऐसे जो लोग दिनचर्या में काम करते हैं उनको जरूर इसकी जो कह सकते हैं उसका लाभ मिल सकेगा। इस छूट के साथ ही अभिषेक हमें उम्मीद ये भी करनी होगी कि कम से कम लोग सहयोग करें, लोग सावधानी बरतें, क्योंकि दादर सब्जी मंडी और ऐसी तमाम तस्वीरें महाराष्ट्र से अलग अलग हिस्सों से सामने आती रही हैं जहां लोग भीड़ लगाए रहते हैं, वो भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के। लोग सावधानी बरतेंगे, केस कम होंगे तो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया होगी। जम्मू से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। अजय, जम्मू में किस तरीके के अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर अभी फिलहाल विचार चल रहा है? क्या कुछ राहत मिल सकती है, क्या कुछ अभी भी पाबंदी में रहेगा? देखिए, जम्मू में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी अनलॉक का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि कल की बात करें 24 घंटे में जो मामले आए थे कोरोना के वो लगभग 2,500 के करीब थे। इसके अलावा 29 मौतें कल भी जो है जम्मू कश्मीर में हुई हैं कोविड के चलते, मगर आज जो है पहला दिन है और अनलॉक का प्रोसेस शुरू हुआ है। पीछे अगर आप देखें तो ये मार्केट, यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट की दुकानें या फिर ग्रोसरी की दुकान सुबह खुलती थी, मगर अब आप देखें तो सुबह सुबह यहाँ पे आप लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो कई सुपर शॉपिस थी, इसके अलावा आपको बता दूँ कि ग्रोसरी शॉप्स के अलावा जो बार्बर शॉप्स हैं, कंप्यूटर्स और मोबाइल की शॉप्स हैं, शराब की दुकानें हैं, ये सारी जो हैं वो खुल चुकी हैं। और इस पूरी मार्केट की अगर बात करें तो इस पूरी मार्केट में अब रौनक वापस लौटी है, मगर ये रौनक जो है किस तरीके से जो है खतरनाक हो सकती है, जब तक ये लोगों को समझ नहीं आएगा तब तक इस कोविड को हराना जो है वो बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर बात की जाए तो 3 दिन दिए गए हैं जिसमें शाम को 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें ग्रोसरी की दुकानें हैं, जिसमें कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सीमेंट स्टोर, बार्बर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर्स, कॉस्मेटिक शॉप्स, इनको जो है वो समय दिया गया है। जबकि मंगलवार और वीरवार का समय जो है वो कपड़ों की दुकानें, गारमेंट्स की दुकानें और अन्य जो दुकानें रहेंगी उनको इसमें समय मिलेगा। तो यकीनन रोटेशनल बेसिस का ये प्लान जो है सरकार का है, शाम को 5 बजे के बाद ये बंद हो जाएंगी और 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जो है कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू। सैटरडे की बात करें तो वीकेंड लॉकडाउन को भी यहाँ पर इम्पोज रखा गया है जम्मू कश्मीर में। संडे को किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी और वीकेंड लॉकडाउन यानी कि कर्फ्यू रहेगा। मगर मैं फिर कहूंगा कि जब तक आम लोग नहीं समझेंगे तो किसी ना किसी तरीके से इस कोविड को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर मास्क डालें, अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो यही एक मंत्र है, इसी से हम इससे जीत सकते हैं। बिल्कुल अजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 जून से जब थोड़ी ढिलाई मिलेगी तो लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है, ये ध्यान रखना होगा कि खतरा भी चला नहीं है, केसेस भले ही कम हो गए हो लेकिन सतर्क रहना अभी भी बेहद जरूरी है। अजय, अभिषेक और ऐश्वर्य, आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और दर्शकों से भी हम बार बार यही कह रहे हैं, केसेस कम जरूर हुए हैं जो कि राहत की बात है, मौत का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा जैसे कि एक्सपर्ट बता रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग जो अभी हमारे साथ बना हुआ है वो आगे भी बरकरार रहेगा, तभी केसेस कम होंगे, तभी अनलॉक के साथ धीरे धीरे हम सभी को राहत मिल पाएगी। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।